माफी चाहता हूं। आप सबको, आप सबसे मिलकर मिलना मेरा सौभाग्य है। थैंक यू फॉर पास्टर पीटर फॉर इनवाइटिंग मी टू हैव फेलोशिप विद यू। इट हैज बीन अ ब्लेस्ड टाइम ऑफ फेलोशिप विद यू। और धन्यवाद पासवान पीटर कि आपने मुझे आमंत्रित किया कि आपके साथ मैं संगति कर सकूं, और एक बहुत ही अच्छी संगति भी थी। We read from Psalm 5 where God is a judge who just judges injustice. हमने भजन संगीता 5 में से पढ़ा और जहां पे हमने देखा कि परमेश्वर हमारे एक न्यायी हैं और न्याय के साथ तो वो सारे न्यायों को करते हैं। And we had a wonderful time of worship with the brother who leading us and very meaningful songs and a time of great worship. और बहुत ही अच्छा समय हमारे आराधना में बीता उन भाई के साथ जिन्होंने हमारी अगुवाई की, और बहुत ही समझ में आने वाली बातें उसमें हुई। Okay, let's look into the word and listen to God who is going to speak to us. आइए हम वचन की ओर देखें और उस परमेश्वर से की ओर हम अपने कानों को लगाएं जो हमसे बात करते हैं। God is our father. परमेश्वर हमारे पिता हैं। When we say father, he takes care of us as well as loves us. जब हम पिता कहते हैं या उनको संबोधित करते हैं पिता कहकर, तो वो हमसे प्रेम भी करते हैं, वो हमारी देखभाल भी करते हैं। One question many people ask is, where is the father who is in heaven with all this pandemic around us, with all the suffering and difficulties and sickness around us? एक सवाल लोग इस प्रकार से पूछते हैं कि जब हमारे चारों तरफ इतनी महामारियां फैली हुई हैं, कष्ट और परेशानियां फैली हुई हैं, तो ये हमारे पिता है कहां? But our God is a God who is planning for each one of our lives. मगर हमारे परमेश्वर के एक ऐसे परमेश्वर हैं जो हम में से हर एक के जीवन के लिए एक योजना बनाते रहते हैं। रवान, he makes the plans and he fixes the times. वो उसके लिए एक योजना बनाते हैं और उसका जो समय है वो भी वही निर्धारित करते हैं। And the right time he acts on behalf of all. और जब सही समय आता है तो वो हमारे लिए कार्य करते हैं। It is very difficult for us to understand that. हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल बात है। That is why we go into all the sorrows and difficulties. इसीलिए ही हम सारे दुखों में से और परेशानियों में से होकर गुजरते हैं। So we will be reading the book of Exodus, chapter 3, verses 6 to 10. Can you please read it, Jen? हम पढ़ेंगे निर्गमन तीसरे अध्याय उसके 6 पद से लेकर 10 पद तक। आशीष, could you please help? क्या ये तीसरा निर्गमन की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय और उसका 6 वचन से लेकर के 10 वचन। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परमेश्वर परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन इसराइलियों की चिल्लाहट, मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी दिखाई पड़ा है। इसलिए अब मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इसराइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। See, when God promised Abraham that he will give the land of Canaan to the Israelites,
जब परमेश्वर ने अब्राहम को यह वचन दिया कि वो कनान के देश को इज़राइलियों को देंगे, Abraham never wanted to stay in one place, we know, and he was always in a tent, hoping that God will give him a city which is made by God himself. Abraham jahan pe rehta tha, yani ek tambu mein wo rehna nahi chahta tha, uski aasha ye thi ki Parmeshwar usko shahar de jahan pe wo bas sake. So he was looking for the eternal home up in heaven. To wo उस अनंत काल स्वर्ग में, अनंत काल के स्वर्ग में एक अनंत काल का वास ढूंढ रहा था या भवन ढूंढ रहा था। But God promised that his descendants will have a land. मगर परमेश्वर ने उसको एक प्रतिज्ञा दी कि उसके जो वंशज हैं, उसको उनको वो प्रतिज्ञा मिलेगी। But in God's plan, which was very difficult for Abraham to understand, he told him that they will be sent to a foreign country for some years. और परमेश्वर की योजना जो अब्राहम के लिए समझना मुश्किल था, क्योंकि परमेश्वर ने उससे इस प्रकार से कहा कि उनको कुछ वर्षों के लिए एक विदेश में या विदेशी देश में भेजा जाएगा। So the Israelites had to go down to the land of Egypt. तो इज़राइलियों के लिए, pardon me once again. The Israelites had to go to the land of Egypt. तो इज़राइलियों को मिस्र के देश में जाना पड़ा। It was because of the famine. और वह इस अकाल के वजह से हुआ। We know that Jacob and his children, 70 people went down to Egypt in the time of Joseph. हम जानते हैं कि 70 लोग, यानी याकूब और उसके जो बच्चे हैं, 70 लोग मिस्र देश में पहुंचे। And there for 430 years, they were trained to be a people of God. और वहां पे 430 साल तक उनको प्रशिक्षण दिया गया कि वह परमेश्वर के जन कैसे बने। They were trained to be good farmers, good shepherds and good leaders of the people. वहां पे उनको प्रशिक्षण दिया गया कि वो अच्छे किसान कैसे बने, अच्छे चरवाहे कैसे बने, अच्छे अगुए लोगों के कैसे वो बन पाए। And we know that many people from India go to the foreign countries like America and England and they never come back. हम जानते हैं कि इंडिया जैसे देशों से कई लोग हम अमेरिका या इंग्लैंड जैसे देशों में जाते हैं और फिर वो कभी वापस ही नहीं आते हैं। Because they are very prosperous there, they are very happy, they have all the facilities there. और क्योंकि उनके पास सारी सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ उनके पास सुविधा उपलब्ध होती है। So more or less, the Israelites were enjoying their time in the land of Egypt. तो हम देखते हैं कि इजरायली लोग जो है मिस्र देश में अपना जीवन अच्छे से बिता रहे थे। So they won't have come back on their own will. माफ करेगा मैं। They did not want to come back on their own will. माफ करिएगा, मुझसे छोटी गलती हुई है। अगर वो अच्छे से अपना जीवन मिस्र में बिता रहे होते तो वो कभी भी वो छोड़कर दूसरे एक देश में जाने की चाहत नहीं रख पाते। But God in his plan brought a king who actually started to put a lot of pressure on them. मगर परमेश्वर ने क्या किया, अपनी योजना में होकर उन्होंने एक ऐसे राजा को खड़ा किया जो उनको तकलीफ देने लगा। And the people of Israel started to cry. अब यहाँ पे लोग, इजरायली लोग रोने लगे। But in this passage we don't see them asking God to deliver them. मगर इस परिस्थिति में या इस स्तर में हम नहीं देखते हैं कि इजरायली परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर हमें बचा ले। Of course they are suffering, they are having difficulties, they are persecuted, but still they are not looking to God to deliver. हाँ, अभी भी वो सफर कर रहे हैं, वो बहुत दिक्कत में है, परेशानी में है, कष्ट झेल रहे हैं, सताव उनके ऊपर हो रहा है, मगर तो भी वो परमेश्वर से छुड़ाने या छुटकारे के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। Maybe many individuals and families would have been praying to God that please deliver us. शायद कई लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें बचा ले। We know that when Moses wanted to deliver them, the people were not happy. हम देखते हैं कि जब मूसा वहां पे उनको छुड़ाने के लिए आता है तो लोग उससे ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं। And he had to run away from Egypt. और उसके बाद उसको इजिप्ट से या मिस्र देश से भाग जाना पड़ा।
And now he is already 80 years old, 40 years in the wilderness with the sheep. अब वो 40 साल मरुभूमि में बिताने के बाद अब 80 साल का हो चुका है और उसके बाद अब आया हुआ है. So Moses doesn't have that hope that God is going to deliver the people of Israel. अभी भी मूसा के पास वो आशा नहीं है कि परमेश्वर इन लोगों को छुटकारा देंगे या स्वतंत्र करेंगे. So that is the time when God gave this vision to Moses. ये वह समय है जब इस दर्शन को मूसा को परमेश्वर ने दिया. So in verses 6 and 7 he says, I am the God of your fathers Abraham, Isaac and Jacob. यहाँ पे छठे पद में इस प्रकार से परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ. So it is not because of Moses, neither because of that generation of Israelites, but because of God's promise to the fathers, God is going to act. अब ये मूसा के कारण नहीं, ना ही वो उस प्रजा के कारण जो अभी मिस्र देश में पड़ी हुई है, बल्कि ये उन लोगों के कारण या उनके पिताओं के कारण, अब्राहम, इसहाक और याकूब के कारण, जिनको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी परमेश्वर कुछ करने जा रहे हैं. Praise the Lord, our God is a faithful God. परमेश्वर का स्तुति हो क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास योग्य परमेश्वर है. इवन इफ यू डोंट क्राई, ही इज गोइंग टू एक्ट इन हिज ओन टाइम. हमें हम अगर विलाप नहीं करें तो भी अपने समय में वो जरूर अपने कार्य को करेंगे. And look to the verse 7, he says, I have seen their affliction, I have heard their cry, I know their sorrows. तो यहाँ पे जब सातवें पद में हम देखते हैं तो लिखा हुआ है, मैंने उनको देखा, उनके दुखों को देखा है, उनके चिंता, उनके परेशानियों को मैंने देखा है, सुना है. So many a times we think that unless we pray, God doesn't know our problems. कई बार हम सोचते हैं कि जब तक हम प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर को हमारे चिंताओं के बारे में या समस्याओं के बारे में मालूम ही नहीं चलता. Our Father God is a God who cares for us. हमारे पिता परमेश्वर के ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारी देखभाल या चिंता करते हैं. He knows our situations before we utter a word. हमारे मुंह से एक शब्द भी निकलने से पहले वो हमारी परिस्थिति को समझते हैं. He knows the inside out of our hearts. वो हमारे दिल के अंदर की गहराइयों को जानते हैं. So, if you look at the situation, God actually brought all those difficulties so that he can deliver them at the right time. तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने ये सारे दिक्कतें, परेशानियां वहां आने दी ताकि वो उनको छुड़ा सके. Praise the Lord. See, the pandemic, the coronavirus, and all the other problems which are around us is in God's plan and timing. ये महामारी जो कोरोना वायरस है, ये सारी विपत्तियां, समस्याएं जो हो रही हैं, ये सब के सब परमेश्वर की योजना के अंदर हैं। But we can see that the people of Israel is not ready to come out. They are not willing to come out of whatever facilities they are enjoying in Egypt. मगर हम देखते हैं कि इज़राइल की जनता जो है अभी भी बाहर निकलने के लिए यहाँ या फिर वहां से छूटने के लिए वो तैयार नहीं है. And also, because even if they are suffering, even if they are crying inside themselves, in their families, there is no leader to bring them out. और साथ ही साथ जबकि उनके परिवार में रोना चिल्लाना तो होता है, मगर उनके बीच में एक अगुआ नहीं है जो उनको बाहर लेकर आ सके. In many of our situations also, we start crying within ourselves, but we don't see a fellowship, we don't see a church where we actually being cared for. हम भी ऐसी बार कई बार जब समस्या में होते हैं, हम आसपास किसी कलीसिया को नहीं देखते या संगति को नहीं देखते जहां पर हमें आश्वासन मिल सके. And this is a beautiful thing which God has given us, the fellowship of saints, so that we can take care of each other. और ये बहुत ही अच्छा तरीका है, यानी संतों की सहभागिता, जिसके द्वारा हम एक दूसरे की देखभाल कर पाते हैं. We know that Moses was born to deliver the people of Israel. हम जानते हैं कि मूसा पैदा हुआ ताकि वो मिस्र इज़राइलियों को मिस्र से छुड़ा सके. Moses was aware of that, but it was not his time, but he had to wait for God's time. मूसा भी वो जानता था, मगर ये उसका समय नहीं था, उसको परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करना जरूरी था.
And at God's time, people were not ready. People were not prepared. And people were not praying actually to deliver them. मगर जब परमेश्वर का समय था तो लोग तैयार नहीं थे, लोग उसके लिए इच्छुक नहीं थे, वो परमेश्वर से विनती नहीं कर रहे थे कि उनको छुड़ाया जाए। But God in his faithful timing, he is going to act. मगर परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता में, अपने समय में वह अपने कार्य को जरूर करेंगे। And we see that in verses 8 to 10. हम उसको 8 से 10वें पद के बीच में देखते हैं। In verse 8 he says, I will come down to deliver. आठवें पद में लिखा हुआ है कि मैं आया हूं ताकि मैं तुम्हें छुटकारा दे सकूं। It is not Moses delivering, but it is God who is going to deliver. अब ये छुड़ाने वाला मूसा नहीं है, बल्कि परमेश्वर है जो उनको छुड़ाने जा रहे हैं। And the people are not going to come out, but God is going to bring them out. लोग बाहर नहीं आ रहे हैं अपने आप से, बल्कि परमेश्वर उनको बाहर लेकर आ रहे हैं। And the people are not asking for a safe land, but God is saying that I will give you a land which is flowing with honey and milk. और लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हमें वो जमीन चाहिए या वो बाचा का देश चाहिए, बल्कि परमेश्वर कह रहे हैं कि भाई दूध और मधु से बहने वाला वो जगह, वो स्थान मैं तुम्हें देने वाला हूँ। Dear brothers and sisters, without our asking, God is preparing for us the best which He is going to give us. हमेशा मेरे प्रिय भाइयों बहनों याद रखना, स्मरण रखना कि हमारे पूछे बगैर ही हमारे लिए सबसे उत्तम वो तैयार करके रखते हैं। Many a times we think that our prayers, the increase, the intensity of our prayers, the time of our prayers is going to bring answers from God. कई बार हम सोचते हैं कि जितना अधिक हम प्रार्थना करें या जितना दृढ़ता से या मजबूती से हम प्रार्थना करें, उतना ज्यादा हमें उत्तर मिलने की संभावना है। Our Father God is a faithful God. हमारे पिता परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। He knows what we need. वो जानते हैं कि हमारी जरूरत क्या है। He knows what is going to happen to us. वो जानते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। And He has prepared the best for each one of us. और उन्होंने हमारे लिए वह तैयार करके रखा है जो सबसे उत्तम है। This is what Jesus was telling the disciples in John chapter 14. यही योहन्ना 14वें अध्याय में यीशु भी अपने चेलों से कहते हैं। Don't be scared. डरे नहीं। Don't worry about what is going to happen. कल क्या होगा कह के चिंता ना करे। Trust me and have faith in God. मुझ पे भरोसा रखे, मुझ पे विश्वास रखे, परमेश्वर पर विश्वास करे। I have a plan. मेरे पास एक योजना है। In some days I will be on the cross. भाई कुछ दिन के लिए तो मैं क्रूस पे रहूंगा। But after that, on the third day I am going to rise again. अगर तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। And I am going up to my father's house. और मैं अपने पिता की ओर उसके भवन में जाने वाला हूँ। And I am going to prepare houses for you, each one of you. और मैं तुम में से हर एक के लिए घर या भवन का निर्माण करूंगा। So Jesus is promising us a life which is eternal and all the arrangements for that. और यहाँ पर यीशु अपने चेलों को वचन देते हैं कि उनके लिए जीवन अनंत काल का वो तैयार करेंगे और उसके साथ जितनी भी प्रतिज्ञा हैं पूरी होंगी। See the problem with us is we always look around like the Israelites for pyaaj and parsi. That means the fruits and vegetables we can get here. और कई बार हमारे पास साथ समस्या ये होती है कि हम इसराइलियों की तरह ही बस अपने सब्जियों और फलों के बारे में चिंता करते हैं। And for eating meat and bread. और हम सोचते हैं कि हमें मांस कहाँ से मिलेगा या फिर रोटी कहाँ से मिलेगी। They are not bothered about the land which God is going to give, which is flowing with honey and milk. उनको इस बात की चिंता नहीं है कि वो वाचा का देश कहाँ है जो जिसमें दूध और शहद बहता है। So today morning, as we listen to God's word, let us be looking beyond what we can see around in our situations. इसलिए आज जब यहाँ पर जब हम बैठे हैं तो होने पाए कि हम उसको देखें, यानी हमारे आसपास की चीजों से परे उसके पार हम देखने पाए। See what God is going to arrange for each one of us. देखिए परमेश्वर हम में से हर एक के लिए कोई ना कुछ चीज का इंतजाम करते हैं। See the people are not feeling that they are oppressed,
But God says, I have seen the cry and the oppression of the people. लेकिन यहाँ पे लोगों को नहीं लगता है कि वो मुश्किल में है, परेशानी में है, मगर परमेश्वर कहते हैं कि मैंने उनके दुखों को देखा है। Many a time we don't understand what we are really suffering through the coronavirus and the situations around us. और कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि भाई हम किस मुश्किलों में से होकर जा रहे हैं जब कोविड और कोरोनावायरस वगैरह चारों तरफ हमारे फैला हुआ है। And when there is no electricity at home, when we get sick, when we have a diarrhea, we don't understand what is going to happen next. हमें जब डायरिया होता है या घर में बिजली नहीं होती है, ऐसी जब बातें होती हैं तो हम समझ नहीं पाते कि आगे होने क्या वाला है। But our God is a great planner who plans the best for us in all through that situations. मगर हमारे परमेश्वर जो है वो बहुत अच्छी योजना बनाने वाले हैं और उनके पास हमारे लिए बहुत अच्छी योजना है। Can you believe that? क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हैं? Can you believe that? क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हैं? That is where Jesus says, trust me and have faith in God. इसीलिए ही इसी पर यीशु मसीह कहते हैं, मुझ पर भरोसा रखो और परमेश्वर पर विश्वास रखो। So for 3.5 years the disciples were with Jesus, but as he leaves, they are scared. अब 3.5 साल तक प्रभु यीशु अपने चेलों के संग तो थे, मगर अब जब वो छोड़कर जाने वाले हैं तो चेले यहाँ पे भयभीत हैं। When the Kalishia was together having worship services and house fellowships and the pastor was running around the families, they were so happy. जब कलीसिया चल रही थी, जब कलीसिया में आराधना होता था, संगति होती थी, पासबान इधर उधर सबके घरों में जाते थे तो सब बहुत खुश थे। But now, because people are alone, because stuck at home and have difficulties, they think that God is not there, God is not caring for them. मगर अब जब लोग घरों में फंसे हुए हैं, ये संगतियां होती नहीं है, परेशानियों में लोग हैं, तो लोगों को लगता है कि भाई परमेश्वर है नहीं। Can you believe that God has a better plan for each one of us beyond corona and covid? क्या मगर आप क्या इस पर विश्वास कर सकते हैं कि इस कोरोना और कोविड से भी बेहतर या उसके आगे उसके परे एक योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बना रखा है? Our God is not a God of short term plans. हमारे जो परमेश्वर है वो छोटे समय या थोड़े समय की योजना नहीं बनाते। We always like to have short plans where we get the maximum. हम सबको एक छोटी योजना या छोटे समय में पूरी होने वाली योजनाएं पसंद है जिसमें से हमें सबसे ज्यादा लाभ हो सके। But God is a great planner who plans eternally. मगर परमेश्वर जो है वो बहुत आगे की सोचते हैं, वो अनंत काल की सोचते हैं। He plans for our descendants, plans for generations. वो हमारे वंशजों के लिए सोचते, हमारी पीढ़ियों के लिए वो सोचा करते हैं। When he was speaking to Abraham, he was not much bothered about 196 years of Abraham only. और जब वो अब्राहम से बात कर रहे थे, उस समय उसके 196 वर्ष जो वो जीवित रहा, सिर्फ उतने के बारे में नहीं सोच रहे थे वो। But God was thinking about Christ and each one of us in Lucknow and in Kathmandu. And all those who are going to join the body of Christ. मगर परमेश्वर उसके आने वाले आगे आने वाले मसीह और मसीह के बाद भी आने वाले हम और आप जो लखनऊ और काठमांडू में परमेश्वर के लिए जीते हैं, उनके बारे में भी सोच रहे थे। Can you believe that? क्या आप इस पर विश्वास कर सकते? This is faith. यह विश्वास है। And this is knowing that my Father is there who cares for me. यह जानना है कि मेरे पिता वहां हैं जो मेरे लिए चिंता करते हैं, मेरी देखभाल करते हैं। Many a times we become so weak, not knowing that our Father is going to bring us the best. कई बार हम में से कई लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं यह ना जानकर या इस बात की जानकारी ना होने के कारण कि हमारे पिता वहां पे हमारे लिए हैं। You may have heard that in the Bible there are 366 times God says, "Fear not." आपने सुना होगा कि बाइबल में 366 बार इस प्रकार लिखा है कि भयभीत ना होना, डर मत या भयभीत ना होना। Because God knows that we are a fearful people. क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि हमारे अंदर भय आता रहता है या भयभीत होने वाले लोग हैं हम। But that is where we need to know that we are not alone.
मगर यही वो स्थान है या यही वो जगह है जहां पे हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। During the worship today, again and again, the leader was reminding us that we are in the presence of God, we are talking to God, we are worshiping God, we are glorifying God. बार बार आराधना के दौरान आराधक हमसे ये बता रहे थे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर हमारे बीच में हैं, परमेश्वर की हम महिमा कर रहे हैं। But can you think of a moment when the God's presence was not with you? मगर क्या आप किसी ऐसे क्षण के बारे में सोच सकते हैं जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ नहीं थी? You may not have been aware of it, but God is there. I am not going to leave you. That is the promise Jesus has given. शायद आपको इस बात की जानकारी ना हो या आपको ये मालूम ना चला हो, मगर परमेश्वर आपके संग हमेशा थे, क्योंकि उन्होंने हमें प्रतिज्ञा दी है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। And God the Holy Spirit is living in us, so we are actually not speaking or listening to a God up there, but God who is in us and with us. और क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे मनों के अंदर है, इसलिए हम ऐसे परमेश्वर से बात या बात नहीं करते या उनकी सुनते नहीं है जो बहुत दूर है, बल्कि ऐसे परमेश्वर से जो हमारे अंदर है। Dear friends, this is something which we need to realize. मेरे प्रिय मित्रों, मैं ये एक ऐसी बात है जो हमें समझने की जरूरत है। God is with us. परमेश्वर हमारे संग है। And he is planning for us. और वो हमारे लिए एक योजना बना रहे हैं। And in verse 10, God tells Moses, therefore, because I have a great plan, because this is the time I am going to deliver, therefore. यहाँ पे दसवां पद उस शब्द से शुरू होता है, इसलिए, क्योंकि मैं तुम्हें छुड़ाने वाला हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें भेजा है, इसलिए। I will send you. इसलिए मैं तुझे भेजूंगा। Today the service is there, Pastor Joseph is there, Peter is there, and we are listening to the word of God because God is going to act on our lives. आज ये संगति हो रही है, ये आराधना हो रहा है, Pastor Peter वहां पे हैं, हम यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए कार्य करने जा रहे हैं। God is going to activate a great plan for each one of our lives who are attending this service. Through this message. और आज इस संदेश के द्वारा जितने भी लोग इसको सुनते हैं, सबके जीवन में परमेश्वर कुछ एक नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं। Because God is going to act in His time to fulfill His plans through a person who obeys. क्योंकि परमेश्वर अपने समय में अपनी योजना को उस व्यक्ति के द्वारा पूरा करते हैं जो उनकी आज्ञा को मानते हैं। Are you that person? This is the question. मगर सवाल ये है कि क्या आप वो व्यक्ति हैं? And the phrase says, "You may bring my people out. You may bring. I am going to deliver. You may bring the people out." तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने यह बताया है कि तुझे तो मैं भेजता हूँ, ठीक, मगर मैं हूँ जो लोगों को लेकर आने वाला और उन छुड़ाने वाला हूँ। तू जा सकता है, मगर मैं उनको छुड़ाऊंगा। You will be the visible person in front of them, but I am going to deliver them. तू उनके सामने नजर आने वाला एक व्यक्ति तो होगा, मगर उनको छुड़ाने वाला मैं हूंगा। So you may be one of those people whom God is going to use to deliver somebody else. तो शायद आज आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जिसको इस्तेमाल करके परमेश्वर किसी को छुड़ाने वाले हैं। So God is a God who uses obedient people. तो परमेश्वर कैसे परमेश्वर हैं जो आज्ञाकारी लोगों को इस्तेमाल करते हैं। Our Father God, He sees, He plans, He decides, and then He uses. हमारे पिता परमेश्वर वो जानते हैं, वह देखते हैं, वह निर्णय लेते हैं, उसके बाद वह इस्तेमाल भी करते हैं। In your family, in your personal lives, God does the same thing. आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी परमेश्वर इसी प्रकार कार्य करते हैं। He is a concerned father. Yes. वो हमारे लिए चिंता करने वाले पिता हैं। And he knows the best for us. वो हमारे लिए जो सबसे उत्तम है उसके बारे में जानकारी रखते हैं। It is very sad that many Christians don't understand that.
ये बहुत ही दुख की बात है कि कई मसीह लोग इसको नहीं जान पाते हैं. Then they bring all the recommendations to God in prayer. और उसके बाद वो अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर को सलाह देते हैं. They will tell God that this is the best for me, this is the way, this is the place I have to go. You give me a visa for that country because that is the place where I have to go. और वो परमेश्वर से कहते हैं कि यह मेरे लिए सबसे उत्तम है, मुझे यहाँ पर होना चाहिए, इस देश का वीसा मुझे चाहिए, इस प्रकार की योजना मेरे जीवन में होनी चाहिए. Of course, as the children of God, we can express our wishes before Father. हाँ, परमेश्वर के संतान होने के कारण, होने के नाते हमें अपनी इच्छाओं का और परमेश्वर के सामने प्रकट करने का अधिकार है. But always know that He knows the best. मगर हमेशा यह स्मरण रखें कि वह जानते हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या है. Then the difficulty is how is he going to do it? Because see, many a times even I have heard some of the ministers of the world, God is going. मेरे पास एक परमेश्वर, मेरे साथ एक परमेश्वर है जो मुझसे बात करते हैं और मैं उनसे बात करता हूं. We share, we communicate with each other. हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, हम एक दूसरे से बांटते हैं. That is what the father wants. We know as fathers, we know the children. When the children come around and share their concerns, we actually like that and love that. और वही हमारे पिता भी हमसे चाहते हैं, क्योंकि पिता और हम जो पिता लोग हैं वो समझते हैं और जानते हैं, जब हमारे बच्चे हमसे आकर अपनी चिंताओं को, अपनी बातों को बांटते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है. Knowing that the father has a greater plan. ये ध्यान रखिए कि परमेश्वर के पास हमारे लिए बेहतर योजना है. But when God starts to activate a plan, he needs us to participate into that. मगर जब परमेश्वर हमारे जीवन में एक योजना की शुरुआत करते हैं तो उनकी चाहत यह है कि हम भी उसमें सहभागी बने. We need to be partakers of what God is doing in our personal lives, in our families, and in the situations around us. हमें उस चीज या उस योजना के सहभागी बनना है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में और हमारे चारों तरफ परमेश्वर करते हैं. So God actually uses our bodies as a living sacrifice for fulfilling the eternal of God. तो हमारे शरीरों का इस्तेमाल करता है ताकि अपने अनंत काल की योजना को वो पूरा कर सके. And the best example we see is Jesus himself. और उसका सबसे बेहतर या सबसे बढ़िया उदाहरण हम देखते हैं यीशु मसीह को. From the day one of his life to the end of his life, he was fulfilling his father's plans. उसके जीवन के पहले दिन से लेकर जीवन के अंत तक वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति था. Now it is our turn. अब ये हमारा समय है या हमारी बारी है. Now the two sisters who have taken baptism, you have taken a very good decision. दो बहनों ने जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, आपने बहुत ही अच्छा एक निर्णय लिया है. But remember what Jesus has said in Matthew chapter 11 verses 28 and 29. स्मरण रखिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु ने मत्ती 11 के 28 और 29 में कहा. See, take my yoke and learn of me. तो वहाँ लिखा हुआ है कि मेरे जुए को उठाओ और मुझसे सीखो. So when you took baptism, actually you have taken that. You are now to fulfill what God has planned for you through Jesus. जब आपने बपतिस्मा लिया तो आपने वो जुआ परमेश्वर का अपने ऊपर उठा लिया. अब आपको उस समान जीना है जो परमेश्वर चाहते हैं.
So that is what exactly for all of us who have been baptized and into the body of Christ have to do. और यह सारे जिन सारे लोगों के लिए जिन लोगों ने बपतिस्मा पा रखा है उन सब के लिए यही एक निर्देश है. In 2 Corinthians chapter 5 verse 15 Paul says that we don't live but the life we live now we live for him who has given his life for us. दूसरे कुरिन्थियों 5:15 में पौलुस इस प्रकार से कहता है कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा. The same thing he repeats in Galatians chapter 2 verse 20. और वही बात दोहराता है 20 में. So we have a God, a Father who cares for us presently, now and here, but also have a great plan for us till eternity. I'm sorry, your voice. We have a Father. Yeah, please. Yeah, okay. हमारे एक पिता हैं. Who cares for us at present, in the present situations. जो हमारे लिए अभी की परिस्थिति में देख greater plan till we reach eternity with him. और जब तक अनंत काल में हम पहुंच नहीं जाते वो हमारे लिए चिंता करते हैं. So he is just asking us to trust him. इसलिए हमें उनके ऊपर अपने भरोसे को रखना आवश्यक है. And that is what Jesus says, trust me and have faith in Father. Jesus is telling us to trust him and to have faith in God the Father. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि हमें उन पर भरोसा रखना है और परमेश्वर पर विश्वास करना है. So it is not just when you pray or sing or worship, but every moment of our lives we need to trust and depend on Jesus. तो ये सिर्फ जब हम प्रार्थना करते हैं आराधना करते हैं या गीत गाते हैं उस समय के लिए नहीं है बल्कि हमारे जीवन के हर एक पल में हमें उनके उन पर भरोसा रखना आवश्यक है. He is a faithful God. वह एक विश्वास योग्य परमेश्वर हैं. In Ephesians 2:10, can you please read it? Ephesians 2:10 कोई पढ़ सकता है? आशीष पढ़े आप पढ़ेंगे मेरे लिए. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है. So God has a plan for each one of our lives. तो परमेश्वर के पास हम में से हर एक के लिए एक योजना है. We don't need to make a plan. हमें उसके लिए एक योजना बनाने की जरूरत नहीं. But we have to trust him and obey him. हमें बस उन पर भरोसा रखना है और उनके उनकी आज्ञाओं को मानना है. And ask the Holy Spirit living in us to guide us. और उन पवित्र उस पवित्र आत्मा से हमें विनती करना है जो हमारे अंदर रहते हैं कि हमारी वो अगुवाई करे. So when we listen to the voice of the Holy Spirit in us. और जब हम उस पवित्र आत्मा की सुनते हैं जो हमारे अंदर रहते हैं. And trust on the words which are written in the word, the living word. और उस जीवित वचन में जो बातें लिखी गई हैं उस पर जब अपने भरोसे को रखते हैं उस पर भरोसा करते हैं. And become obedient. और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं. God is going to take us on to the eternal hope. तो परमेश्वर हमें उस अनंत काल के भवन की ओर हमें अगुवाई करके लेकर जाते हैं. So today I just wanted to remind you that you have a Father. तो आज मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आपके एक पिता हैं. This is funny because Jesus tells the disciples in Matthew chapter 6 that you have a Father in heaven. ये थोड़ा मजेदार बात है क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में यीशु अपने चेलों को बता के देते हैं कि भाई स्वर्ग में तुम्हारा एक पिता है. And what is the difference it make? और तो इसका मतलब यह इससे क्या फर्क पड़ता है इसका 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 वजन क्या है?
If you worry like others all around you, you don't have a father in heaven. इसका मतलब ये है कि अगर तुम बाकी लोगों की तरह इस संसार में जो हैं चिंता करते रहते हो तो तुम्हारा स्वर्ग में पिता नहीं है. But because you have a father in heaven, you don't need to worry. मगर बात यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्योंकि तुम्हारा स्वर्ग में एक पिता है इसीलिए तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं. So dear brothers and sisters, इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, today morning the Lord wants to remind us that we have a father in heaven. तो आज की सुबह परमेश्वर हमें स्मरण दिखाना दिलाना चाहते हैं कि हमारे स्वर्ग में एक पिता है. Don't look around and see all the problems. अपने चारों तरफ देखकर उन समस्याओं की ओर ध्यान ना लगाएं. Look up and see the great promises of God. ऊपर की ओर देखें और उन महान प्रतिज्ञाओं की ओर ध्यान लगाएं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं. That is the way Paul has asked us to do in Colossians chapter 3 verses 1 to 3. Look up and think about things. Who looks around? कई बार हम ऐसे लोग बन जाते हैं जो हमारे चारों तरफ देखते रहते हैं. I want to give you another example. मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूँ. Lucas 3. If he looks around, तो वो अपने चारों तरफ देखता तो देखता कि सैकड़ों पत्थर उसकी तरफ उड़ते हुए आ रहे हैं. But Stephen is looking up. मगर स्टीफानुस ऊपर की ओर देखता है. And he praises God. और फिर वो परमेश्वर की स्तुति करता है. Oh, I see my Lord standing up there to receive me. और वो कहता है कि मैं देखता हूँ कि मेरे खुदा मेरे परमेश्वर खड़े हैं कि वो मुझे ग्रहण कर लें. So God is ready for action on your life. तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने के लिए तैयार हैं. But you have to look up. मगर उसके लिए आपको अपनी नजर ऊपर उठानी पड़ेगी. We go on looking around and crying and weeping and सब देखते हैं, रोते रहते, विलाप करते हैं, ऊपर की ओर नहीं देखते. Because we don't know about the Father who is there. क्योंकि हम उस स्वर्गीय पिता उस पिता के बारे में नहीं समझ पाते जो वहां पे हैं. That is why Jesus reminds the disciples that you don't worry because you have a father in heaven. इसी कारण यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं कि तुम चिंता ना करो क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे एक पिता हैं. So Moses for 40 years he was wandering in the wilderness asking God why, when, what are you going to do for the deliverance of Israel? मूसा 40 साल तक मरुभूमि में जंगल में घूमता हुआ परमेश्वर से पूछता होगा क्यों, कब, आप कैसे इसराइलियों को कब छुड़ाएंगे. But in God's time he is asking, I am going to deliver, you just obey me. मगर परमेश्वर अपने समय में वो कहते हैं या तुमसे पूछते हैं कि क्या मैं तो छुड़ाऊंगा मगर क्या तुम मेरी आज्ञा को मानोगे. So it is God's timing and it is God's way of doing. तो याद रखें कि हमेशा ये परमेश्वर के समय के बारे में है और परमेश्वर के तरीके के बारे में है कि जिस प्रकार वो करना चाहे. So my dear friends, my dear brothers and sisters, तो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, today God wants to remind us, आज के दिन परमेश्वर आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं, I care for you, कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ. You don't need to worry. तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं. Your life is no more yours. तुम्हारा जीवन अब तुम्हारा नहीं है. I have bought it with the precious blood of the Lamb. मैंने तुम्हें मसीह के मेमने के उस बहुमूल्य लहू से खरीद लिया है, मोल लिया है. So you are mine and I will take care of you. अब तुम मेरे हो, अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा. Can you go out of this service hoping and trusting that Father who promises that I am going to take you to a land of with the flowing milk and honey.
तो क्या आप उस परमेश्वर पर जो स्वर्ग में है, पिता पर जो स्वर्ग में है, विश्वास कर सकते हैं कि जो कहते हैं हमसे कि मैं तुझे दूध और मधु बहने वाले उस देश की ओर लेकर जाऊंगा। So whatever difficulties, whatever problems, whatever weaknesses you have come with today to the service. तो जो कोई समस्याओं के साथ, जो कोई कमजोरियों के साथ, जो कोई मुश्किलों के साथ आज इस संगति में अगर आप आए हुए हैं, God is telling you that I am taking care of you. परमेश्वर आपसे कहते हैं उन सब का मैं देख लूं, उन सब को मैं देख लूंगा, उनकी सब की चिंता मैं करता हूं। God wants to touch you. परमेश्वर आपको स्पर्श करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं। And give that power which passeth all understanding. और वह सामर्थ आपको देना चाहते हैं जो किसी के भी समझ के परे है। And he is going to give you that peace which passeth all understanding in your hearts. वो शांति आपको देना चाहते हैं जो किसी के भी समझ के परे हैं। The only condition is you need to obey. मगर शर्त सिर्फ इतना सा है कि आपको आज्ञा मानना जरूरी है। Trust and obey. भरोसा रखें, विश्वास करें और आज्ञाओं को माने। That is the big message for each one of us. वो एक बड़ा संदेश है हम में से हर एक व्यक्ति के लिए। You are going to see a beautiful situation at your home, in your personal lives in the coming days. आप अपने जीवनों में, अपने व्यक्तिगत जीवनों में, अपने परिवारों में एक बहुत ही सुंदर एक परिस्थिति को देखने जा रहे हैं। God has a bigger and greater plan for each one of us beyond what we can think of just now. हम में से हर एक के लिए परमेश्वर के पास इतनी बड़ी और महान योजना है जो हमारे विचारों में भी हम सोच नहीं सकते। Trust and obey. भरोसा रखें और आज्ञाओं को माने। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Dear Father, हे प्रिय परमेश्वर, we thank you for being our Father. हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे पिता हैं। You are not just the father, but you are a caring and loving father. आप सिर्फ एक पिता ही नहीं है, बल्कि हमारी चिंता करने वाले और हमारी देखभाल करने वाले एक पिता हैं। You have beautiful plans for our lives. हमारे जीवनों के लिए आपके पास सुंदर योजना है। You have all the arrangements made for that. उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो सब आपने कर रखी हैं। You only want us to trust you and obey. आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम आप पर भरोसा रखें और आपकी आज्ञाओं को माने। And take the guidance of the Holy Spirit who lives in us. और उन पवित्र आत्मा की अगुवाई को ग्रहण करें जो हमारे अंदर बसा है। So Lord, teach us to learn to listen to your Spirit. तो इसलिए प्रभु हमें सिखाएं कि हम आपके आत्मा के अनुसार चल सके। And also obey what is written in the word for each one of us. और साथ ही साथ हर एक वचन को जो वचन में लिखा हुआ है उसकी हम आज्ञाओं को माने। Father God, we have come to you with our sorrows and difficulties and sicknesses. हे पिता परमेश्वर, हम अपने दुखों, अपने कष्टों, परेशानियों के साथ आपके सम्मुख आए हुए हैं। You knew it long before we knew it. इससे पहले कि हम उसको समझ पाते, उससे कहीं पहले आप उसको समझ चुके हैं। And you have the blessing beyond that. और उससे भी बढ़कर आशीषें आपके पास हमारे लिए रखी हुई हैं। Oh Father, give us that. उन आशीषों को कृपया हमें दे प्रभु। Let us trust you and obey in all our ways of life. होने पाए कि हम आप पर भरोसा रख पाएं और हर एक बात जो आप हमसे कहते हैं वो आज्ञाओं को मानने पाएं। In our failures, in our weaknesses, let us trust you and obey you. हमारे कमजोरियों में, हमारे असफलताओं में होने पाए कि हम आप पर ज्यादा भरोसा रखें और आज्ञाओं को मानते रहें। In our needs of our families and difficulties, Lord, let us trust you and obey you. हमारे परिवारों की जरूरतों में, हमारे कष्टों में, परेशानियों में होने पाए कि हम आप पर भरोसा रखें, आज्ञाओं को मानते रहें। You have a greater plan for each one of us beyond what we can see now. अब भी जो हम देख सकते हैं उससे भी बढ़कर महान योजना हम में से हर एक के लिए आपने नियुक्त कर रखा है। Increase our faith, Lord. हमारे विश्वास को आप बढ़ाएं प्रभु। Increase our faith, Lord. हमारे विश्वास को आप बढ़ाएं प्रभु। We want to trust you and love you, Lord. हम आप पर भरोसा करना चाहते हैं और आपसे प्रेम करना चाहते हैं। Help us, Lord, Holy Spirit. हे प्रभु, पवित्र आत्मा हमारी मदद करें। Help us to trust
you in all of our life situations. हमें मदद करें कि हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में हम आप पर निर्भर रह सके. Thank you for hearing us, Lord. धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु. In Jesus' name we ask. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं. Amen. Amen. Amen.